मेरठ में निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई 9,90,000 की लूट में वांछित चल रहे दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। क्या क्या मुठभेड़ हुई थी, कितने लोग थे, कितनी मौतें हुई और कितने घायल? ये एक लूट यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर 5 पुलिस टीमें बनाई गई थी जो अपराधियों को पकड़ने के लिए लगे हुए थे। उसी के क्रम में आज 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे शाम में, और कुछ वीडियो फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुए थे जिसके आधार पर टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस इंफॉर्मेशन पर पुलिस टीम आज दबिश में गई थी। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने सूचना दी थी। जब पुलिस टीम फलोपुर थाना क्षेत्र में दबिश के लिए गई तो वहाँ क्रिमिनल्स ने फायरिंग शुरू कर दी। मुरादाबाद में आज एंटी करप्शन टीम ने किसानों की शिकायत पर चकबंदी विभाग में तैनात लेखपाल को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी लेखपाल के खिलाफ कटघर थाने में दर्ज कार्रवाई की जा रही है। क्या शिकायत एंटी करप्शन टीम को मिली थी और क्या उन्होंने शिकायत की थी आपको? शिकायतकर्ता श्री वीर नारायण सिंह निवासी गदईखेड़ा, ये जिला रामपुर के निवासी हैं। इन्होंने शिकायत किया था कि चकबंदी अधिकारी के यहाँ उनका एक जमीन के रकबा कम होने का मुकदमा चलता है, जिसका डिसाइड करने के लिए उनके पक्ष में फैसला करने के लिए आदेश करने के लिए चकबंदी अधिकारी ने अपने लेखपाल को बुलाया। उनके सामने ही शिकायतकर्ता के सामने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा, जैसा ये कहेंगे वैसा कर लो, नहीं तो तुम्हारा मुकदमा मैं खारिज कर दूँ। लेखपाल से जब श्री विजय कुमार से उन्होंने बात किया शिकायतकर्ता ने, तो उसने कहा कि इस मामले में जो है 30,000 रुपये देने होंगे, जिसमें मेरा भी हिस्सा होगा और जब आदेश तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा तो उसका अमल दरामद के लिए जो पैसा होगा वो इसमें से मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। जी क्या हुआ था? जी सर, हमारी फाइल चल रही है CEO चकबंदी साहब के यहाँ। अब वो रकबे की फाइल है, करीब 1 हेक्टेयर रकबा हमारा छूटा हुआ है उसमें। अब रकबे का SDM साहब का भी ऑर्डर है और तहसीलदार साहब का भी ऑर्डर है, और उसमें सर हम ऑर्डर के लिए जाते हैं, तारीखें पड़ती हैं, तारीखों पर जाते हैं तो CEO साहब कहते हैं भाई बगैर पैसे के हमारा कोई काम नहीं, आपको पैसा दो तब हम ऑर्डर करेंगे आपको, बगैर पैसे के थोड़ी हो जाएगा। फिर आज क्या हुआ? फिर बोले कि हमारे लेखपाल से बात कर लो, लेखपाल को जो बता दिया हमने वो लेखपाल बता देगा आपको। लेखपाल ग्वालियर के जनकगंज स्कूल में शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। शिक्षकों का आरोप था कि स्कूल प्राचार्य ने नियम खिलाफ कई शिक्षकों का तबादला कर दिया। इस मामले में एक और जहां शिक्षक अपने तबादले को नियम विरुद्ध बता रहे हैं, तो वहीं प्राचार्य अनिल कुमार जैन इसे शासन के आदेश अनुसार कार्यवाही बता रहे हैं। वो अच्छे से मान लेते हैं, हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में विषय मानसी 2013 का जो सेटअप है उसके अनुसार निर्देश दिए। ये सर आदेश कितना पुराना है जिसके द्वारा आपने ये कार्रवाई की? हमें तो आदेश जिलाधिकारी का भी 9 तारीख को मिला, 9 तारीख का आदेश। सर इस आदेश के अंतर्गत बाकी विद्यालयों में ऐसा कोई भी कार्रवाई या बाकी विद्यालय कोई करनी है आज तक? अभी आज 12 तारीख निकली नहीं है। इसमें शिक्षकों का आरोप है कि जो प्राइमरी शिक्षकों के लिए तो है ही है, लेकिन जो मिडिल को और उच्चतम उसको छुआ गया है, अधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया है प्राथमिक माध्यमिक और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सभी के लिए। तो आपका मानना है कि जो शासन का आदेश है उसके अनुसार ही ये किया गया है? दर्शन अधिकारी का 9 जुलाई का आदेश है। 9 जुलाई 2019 और 12 तक हो जाना चाहिए ऐसा निर्देश। क्या मामला है जिसको लेकर आज विवाद हुआ है यहाँ? मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो आदेश आए थे पहले विद्यालय एकीकरण हो गए, हमारे पूरे शिक्षक बराबर थे, कहीं कोई सरप्लस की स्थिति नहीं। अब एक तात्कालिक आदेश आया 2011 का, वो क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने इनको निर्देश दिए कि जहाँ सरप्लस की स्थिति है उन शिक्षकों को जहाँ पद खाली आपके संकुल में पड़ोस के संकुल में व्यवस्था करें, नंबर एक। नंबर दो पे जो मिडिल स्कूल है हमारे माध्यमिक विद्यालय, उसमें जो शिक्षक पदस्थ थे उनको सरप्लस नहीं मानना था क्योंकि पिछले बार से पहले से ही पदस्थ थे। इन लोगों ने संकुल प्राचार्यों ने ग्वालियर जिले के अपने मनमाने तरीके से उनको उसका आदेश का दुरुपयोग करके और उनको सरप्लस घोषित कर दिया, जबकि सरप्लस घोषित करने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी को है। तो यहाँ हमारी मांग ये थी कि सबसे पहले अपन ये देखें।
मुरादाबाद में प्रिंस रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बाइक सवार ने बाइक को सड़क पर ही छोड़ दिया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग बुझाने की बजाय ज्यादा धड़कने लगी। इस पर आसपास खड़े लोगों ने गीले कपड़े से और पाइप लगाकर पानी डालकर आग बुझाई। मेरठ पुलिस ने भारी मात्रा में टैंकर से पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 7 आरोपी शामिल थे। मामला मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र का है, जहां एक गिरोह टैंकर में से पेट्रोल और डीजल चोरी करने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। रोल सर, टीपी नगर में ये चोरी करते हुए तेल का कुछ लोग पकड़े गए, क्या पूरा मामला है और कितने इसमें आरोपी हैं? इसमें कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 ट्रैक्टर और उसमें काफ़ी संख्या में 36,000 लीटर डीजल, 1,000 लीटर पेट्रोल और तेल निकालने के सामान टैंकर से जो निकाला जाता है, आदि सब बरामद हुआ है। इसमें मुखी राम एक गंगानगर का रहने वाला है, जो पूछा रोड पर इसका गाड़ियों की सफाई का एक तरह से वहां पर अड्डा है, वहीं पर कलेक्शन होता था और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता था। काफ़ी दिनों से काम ये चल रहा था। इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। जो भी लोग शामिल हैं उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसमें जो टैंकर निकलते थे उसमें से सामान निकाल लिया जाता था, पेट्रोल और डीजल। ये लोकल लेवल पे आसपास के ज़िलों में भी इसको भेजा जाता था। यहाँ तक भी बताया गया है कि पेट्रोल पंप वगैरह के लिए भी ये यूज किया जाता था, तो उसकी तहकीकात की जा रही है। जैसी तहकीकात में आएगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस ने पिछले दिनों युवती के साथ हुए गैंगरेप का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी फ्रेंड भी है, तो आप अगर बलात् चीजें कर रहे हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। बच्ची ने अपना स्टेटमेंट दिया है, हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, अरेस्टिंग कर रहे हैं और पूछताछ भी हम नाबालिग बच्ची है सामने आ रही थी। और लोग भी थे, सभी लड़की बालिग है और लोग भी हैं, सभी गोटे गांव के लोग हैं। और शुभम, कमलेश और जित्तू, ये 3 मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा और भी इनके फ्रेंड थे। बच्ची के बयान के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। जो प्रथम बयान बच्ची के द्वारा दिया गया है वो 3 आरोपी के संदर्भ में। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र में तेल से भरे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। जी, ब्रजेश सिंह। कहाँ से आ रहे थे आप? साइड से आ रहे थे। कौन सी जगह आई? क्या हुआ यहाँ पर? गाड़ी लेकर आ रहे थे, पीछे ट्रक वाले ने पता नहीं कैसे करके हमें खदेड़ते हुए ले गया काफ़ी दूर तक। मेरा पीछे मुड़ के देखा तो मुझे खत्म होनी पड़ी थी, मैं चला गया। ट्रक वाला पकड़ लिया? आगे खड़ा है, मैंने तो देखा नहीं। आगे पुलिस आ गई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आ गई। आपके साथ में कौन था पीछे बैठे हुए? मम्मी। क्या नाम है उनका? लज्जा बच्ची। कौन से गाँव के रहने वाले हो? पाली वाले। अब क्या पुलिस आश्वासन दे रही है आपको? गुना शहर के चौथे पेट्रोल पंप के पास एक बस का डीजल टैंक तेज धमाके के साथ फट गया। हादसा वेल्डिंग करते समय हुआ और इसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलने पर SP राहुल कुमार लोढ़ा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हिंडौन उपखंड के गाँव कचरोला के जंगलों में एक चरवाहे की लाश पड़ी मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर हिंडौन सदर थाना पुलिस और वन कर्मी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के बीसलपुर में बनी गौशाला की शिकायत हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से की गई थी, जिसके बाद आज तहसीलदार ने गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में आ रही दिक्कतों का जायजा लिया। और किसी ने जो ये चौराहे पे ये मोड़ सा पड़ता है, इस पे जो किसी ने मोटरसाइकिल वाले भट्ट दे आगे आवाज सी आई एकदम गोली चली गई, ये कह रहे गोली लगी है। कितने फायर हुए थे भैया? एक बार हुआ, फिर दो बाद में भी भट्ट की जब हम यहाँ रुके भट्ट की सी आवाज़ आ रही, फिर दो किसी को लगी है क्या गोली? नहीं लगी, नहीं बच गए वैसे तो। क्या काम करते हैं आप भैया? मैं दिल्ली रहता हूँ। काम क्या करते हैं? दिल्ली में मेरा दुकान है, ऑफिस किराए कमरे।